दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यू ऑर्डर। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे आज के ज़माने में, आज के समाज में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता असल में गरीब और लाचार लोगों के साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन उन गरीब और बेबस लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सभी अमीर लोग हैरान रह जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है रोनाल्डो और वाइफ का नाम है एलिस। दरअसल एलिस को स्ट्रोक आया है, इसलिए उसे एडमिट करा गया है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ भगदड़ मच जाती है और इतने में पेशेंट वहाँ मौजूद थे उन सभी को बाहर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब चाहे वो बूढ़े हों या फिर जवान, उसी में से एलिस भी होती है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। रोनाल्डो घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं बीवी को अपनी लेकर कहाँ जाऊँ? वो उन्हें और हम सभी को बताते हैं कि शहर में दंगे छिड़ गए क्योंकि सरकार ने गरीबों से उनका हक छीन लिया है, जिसमें से वोटिंग का राइट भी शामिल है। और वो सारी पावर अब उठाकर उन्होंने शहर के अमीर और पावरफुल लोगों को दे दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी वाइफ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। लेकिन रोनाल्डो के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनका इलाज इतने बड़े हॉस्पिटल में करा सके। बड़े ही मुश्किल से तो उन्हें चंद पैसे जोड़कर इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उधर दूसरी ओर हम एक रिच फैमिली में हो रही शादी को देखते हैं जो इस शहर के बड़े हिस्सों में हो रही है। ये वेडिंग असल में मारियाना और एलॉन की हो रही है। दोनों ही बड़े मिनिस्टर के बच्चे हैं, लेकिन मारियाना की माँ रेबिका एक बड़ी बिजनेस वूमेन भी है। लेकिन यहाँ मारियाना अपनी शादी में, जहाँ पर कई बड़े लोग आए हुए हैं जो उसे कुछ महंगे गिफ्ट भी दे रहे हैं, जिसे लेकर वो अपनी माँ को दे देती है और वो उसे सेफ लॉकर में रख देती हैं। अब इसके बाद जब वो अपने हाथ धुलने के लिए पानी को चेक करने जाती हैं तो वो देखती हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया। ये देख कर वो थोड़ी हैरान थी और डर भी जाती हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बुलाकर ये दिखाती हैं। पर इतने में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब रेबिका को लग रहा था कि शायद वो दंगे करने वाले लोग उनके घर के आसपास ही आ गए, क्या पता उन्होंने पाइपलाइन को फाड़ दिया हो और उसमें कलर मिला दिया हो। वो कंफर्म करने के लिए घर से बाहर भी जाती हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब इस शादी में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए होते हैं। इनके देश में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये शादी अटेंड कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब उस मिनिस्टर से रेबिका की अच्छी बनती थी, इसलिए वो मारियाना से कहती है कि हमें आज ही उनसे उस डील के बारे में बात करनी होगी ताकि वो मान जाए, क्योंकि उसे हमें काफ़ी मुनाफा होने वाला है। लेकिन मारियाना इस बात से नाराज़ हो जाती है क्योंकि आज उसकी शादी का दिन है और आज के दिन वो कोई काम नहीं करना चाहती। वेल, कुछ देर बाद पार्टी में एक कपल आते हैं जिनके पूरे कपड़ों पर कुछ कलर फेंके हुए थे। सभी लोग उस कपल को हैरानी से देखने लगते हैं, इसलिए रेबिका फौरन उन्हें लेकर अंदर जाती है और उनके ऊपर कलर को हटाने लगती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उनकी कार के ऊपर भी कलर फेंके हुए हैं, इसलिए वो अपने गार्ड से कहकर फौरन उसे साफ करवाने को बोलती है और उन्हें और चौकन्ना रहने को बोलती है। पर उन्हें वो श्योरिटी देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब अंदर जाने पे मार्था रेबिका को बताती है कि बाहर हमारा पुराना वॉचमैन आया, उसे आपसे कुछ बात करनी है। जब रेबिका उसके पास जाती है तो वो असल में रोनाल्डो था, जो उसे कुछ पैसे लेने के लिए आया था ताकि वो एलिस का इलाज करवा सके। लेकिन रेबिका उसे बस 1000 रुपये लाकर देते हुए कहती है कि अब यहाँ पर मत आना, हमारे यहाँ पे शादी चल रही है, तुम्हें देखकर हमारे गेस्ट कंफर्टेबल फील नहीं होंगे। अब रोनाल्डो चुपचाप खड़ा रहता है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर क्यों पैसे इंसान को अंधा कर देता है। क्या इस पार्टी में आए हुए लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है कि बाहर हमारे देश में क्या हो रहा है? उधर पार्टी में आए हुए फाइनेंस मिनिस्टर को किसी खतरे का अंदेशा हो जाता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वही रोनाल्डो रेबिका से थोड़े और पैसे देने को बोलता है जो कि वो धीरे धीरे करके चुका देगा, पर वो कहती है कि उसके पास पैसे है ही नहीं। तो मारियाना रोनाल्डो को देख लेती है और उसके बचपन से उसे देखा था और वो औरों की तरह घमंडी नहीं है, इसलिए वो तुरंत आकर रोनाल्डो से गले मिलती है और यहाँ आने की वजह पूछती है। तो वो उसे वही बताता है कि उसकी बीवी बीमार है, इसलिए मारियाना एलन के पास जाती है कुछ पैसे लेने के लिए। तो वो उसके साथ रोनाल्डो के पास आता है और उसे कुछ ही पैसे देता है, जो कि मारियाना देख रही थी और उसे अच्छे से पता था कि इतने में उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी, इसलिए वो फौरन अपने रूम में जाती है और वहाँ लगे लॉकर को खोलने लगती है जिसमें शादी में मिले पैसे रखे हुए थे। पर वो खुलता ही नहीं है, इसलिए वो अपने डैड से उसका पासवर्ड पूछने लगती है, पर वो बताते हैं कि इस बारे में तुम्हें अपनी माँ या फिर एलन से पूछना चाहिए। और तब वो एलन के पास जाती है और वो तो उसके मुंह पर कह देता कि तुम गंदे सर्वेंट के लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो, उसकी जितनी औकात थी मैंने उसे दे दिया, इसलिए अब तुम रहने दो। लेकिन मारियाना के दिमाग में अभी भी रोनाल्डो की ही बात चल रही थी, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाती है क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा था। लेकिन जब वो बाहर जाती है तब तक रोनाल्डो वहाँ से जा चुका था। अब वो वहाँ मार्था के बेटे क्रिश्चियन के पास जाती है और उसे रोनाल्डो के घर चलने को कहती है।
इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप पार्किंग में जाता है। यहाँ क्रिश्चियन उसे बताता है कि एलिस जो कि रोनाल्डो की वाइफ है उसकी हार्ट सर्जरी होने वाली है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके, इसलिए वो यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया था। अब ये सुनकर मारियानो को काफी बुरा लगता है कि उसके पास इतने पैसे होकर भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रही है। अब दोनों ही कार से निकल जाते हैं उसके घर की ओर। लेनो ने इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पार्टी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, शहर के जज भी यहाँ पर आ गई थी जिनका इस शहर में काफी बड़ा रुतबा था, इसलिए रेबिका चाहती है कि वो उसकी बेटी से भी मिले। लेकिन जब वो उसे बुलाने के लिए जाती है तो वहाँ पे मारियाना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे वो घबरा जाती है और फौरन मार्ता के पास जाती है। उसे भी वो उसे ढूंढने के लिए बोलती है, तब बाहर खड़ा फिलिप्स नाम का गार्ड उसे बताता है कि वो तो तुम्हारे बेटे के साथ बाहर गई है। ये सुनकर वो फौरन क्रिश्चियन के पास कॉल लगाती है जो कि मारियाना उठाती है और उसे बताती है कि हम लोग रोनाल्डो के घर जा रहे हैं उसकी मदद करने के लिए, आप मॉम को बता देना। अब वो ये बात जाकर रेबिका को इस बारे में बता देती है। वहीं थोड़ी दूर जाने पर मारियाना को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं क्योंकि आगे जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मारियाना कहती है कि उसे जाना है, अर्जेंट है। अब वो उसे रोक भी नहीं सकते थे, इसलिए वो कार को टर्न मारकर उसी की ओर निकल जाती है जहाँ पर दंगे की मात्रा सबसे ज्यादा हो रही थी। और इधर दूसरी तरफ पार्टी में भी अब हालात बिगड़ना शुरू हो चुके थे। विला की दीवारों को पार करके कुछ लोग अंदर घुसने लगे थे जिन्हें देखकर मारियाना के डैड फौरन गार्ड को बुलाते हैं, लेकिन फिलिप जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो भी उन गरीब लोगों के साथ ही मिला हुआ था। अब वो सभी लोग धीरे धीरे घर में घुसना शुरू करते हैं, एक एक करके मेन गेट से बहुत सारे लोग अंदर आने लगते हैं जिन्हें देखकर एलन उन्हें अपनी घड़ी देने लगता है जिसे लेकर वो शायद यहाँ से चले जाए। लेकिन इन लोगों का कुछ और प्लान होता है, सभी अमीर बड़े लोगों को घर में ही वो बंदी बना लेते हैं और बहुत लोगों को मारने लगते हैं। ये लोग जो मर्जी चाहे उनके साथ वो कर रहे थे। अब सारे घर के सर्वेंट घर के महंगे सामानों को चुराने लगते हैं। इधर फिलिप्स रेबिका को लेकर लॉकर के पास जाता है उसे खोलने के लिए, जैसे वो उसे खोल कर देती है वो उसे भी बुरी तरह से मार डालता है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें पैसे तो चाहिए लेकिन उसके साथ इनके अंदर जो गुस्सा है वो भी अब बड़े लोगों के ऊपर निकालेंगे, लेकिन उसकी लिमिट क्या होगी ये तो हमें नहीं पता। पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है, जिसका जो मन कर रहा है वो तोड़ रहा है या फिर उसे चुरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई कुछ कह सके। एक ऐसे एक आदमी एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है और उसके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो सब अपने में डालने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। तब वो उसकी वाइफ को उसके सामने ही गोली मार देता है, जिसके बाद उसे मजबूरन पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। उधर मार्ता और प्रेग्नेंट लेडी अल्मीरा में छुपी हुई थी और इसी का फायदा उठाकर वो अपने बेटे को कॉल पर बताती है कि यहाँ पर कुछ गुंडे घुस आए, लेकिन इतने में अल्मीरा में कुछ लड़कियां घुस आती हैं जो उस प्रेग्नेंट लेडी को ले जाती हैं और मार्ता को वहीं छोड़ देती हैं क्योंकि उसने सर्वेंट वाले कपड़े पहन रखे थे। जितना भी सामान था उन्हें बाहर फेंकने लगते हैं और न जाने कितने लोगों को मार डालते हैं। जो मर्जी आ रहा था वो यहाँ पर करते जा रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेते। उन्होंने तो कई औरतों को सबके सामने ही शर्मसार भी कर डाला था और उस प्रेग्नेंट लेडी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, वो उसे भी मार डालते हैं। और इससे भयानक मंजर शायद कहीं नहीं देखा होगा इन लोगों ने। अब उधर मारियाना उस जगह पर पहुंच गई थी जहां से शायद ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, यानी कि स्लम में। वहां पर सभी लोग मारियाना को कार से बाहर आने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो अमीर घर की लग रही थी। वो इनकी कार पर हमला भी करना शुरू कर देते हैं तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हें पीछे जाकर बैठ जाना चाहिए, मैं कार ड्राइव करता हूँ, अगर वो तुम्हें नहीं देखेंगे तो शांत रहेंगे। ऐसा ही होता है, वो लोग जब मारियाना को नहीं देखते तो चुपचाप उन्हें आगे जाने देते हैं। और कुछ ही देर बाद वो लोग एलिस के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उससे कहती है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। अब ये सुनकर रोनाल्डो बहुत खुश होता है और उसकी बहुत तारीफ भी करता है। इसके बाद वो क्रिश्चियन से कहती है कि आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ देना। वो मान जाता है, पर रात में मारियाना खिड़की से बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। ये सब उसने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। उधर क्रिश्चियन बहुत कोशिश करता है कि वो मार्ता से कॉल पर बात कर सके, उसे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन सारी लाइन अभी बंद कर दी गई है। तभी हम दूसरी ओर मार्ता को देखते हैं जो रात होने पर उस बड़े से विला से बाहर निकलती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह पर लोगों की लाशें पड़ी है, बाहर लोग चीज को जला रहे हैं। अब किसी तरह से ये दहशत भरी रात निकल जाती है। अगली सुबह मारियाना अपने घर जाने के लिए बोलती है तो क्रिश्चियन बाहर जाकर चेक करता है कि क्या सब कुछ सही हो गया है। तभी उसे कुछ आर्मी वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पास मिनिस्टर की बेटी है जिसे आपको घर छोड़ना है। तो वो उसके साथ घर जाते हैं और मारियानो को अपने ट्रक में बैठा लेते हैं ताकि वो उसे सेफली घर छोड़ सके। अब यहाँ पे हम मैक्सिको शहर को देखते हैं जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा।
पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, हर तरफ बस तबाही है, लोगों की लाशें हैं, बड़े बड़े शोरूम जलकर खाक हो चुके हैं और पूरे शहर में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहां दूसरी ओर आर्मी ट्रक में मारियाना अपने घर पे कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क जाम होने की वजह से वो नहीं कर पाती। तभी उसके साइड में बैठी एक लेडी आर्मी ऑफिसर उसे उसके सारे गहने उतारने को कहती है, जो कि काफी अजीब बात था। पर कुछ ही देर बाद हमें पता चल जाता है कि ये लोग आर्मी वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ गुंडे हैं जिन्होंने आर्मी के ड्रेस चुरा लिए और अमीर लोगों को एक कैंप में कैद कर रहे हैं। मतलब कि अब यहाँ पर मारियाना बुरी तरह से फंस चुकी है। उधर दूसरी ओर मार्था अपने घर पहुंच जाती है। अपनी माँ को सही सलामत देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि उसने मारियाना को आर्मी के हवाले कर दिया। पर यह सुनकर वो और डर जाती हैं, क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस कैंप में जाने के बाद मारियाना देखती है कि वहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां औरतें हैं जिन्हें कैद करके रखा हुआ है और सभी अमीर घरों की हैं, जिन्हें एक साथ लाकर उनकी फुल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है ताकि वो अब इनके घर वालों को कॉल करके फिरौती की रकम मंगवा सके, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर होने वाली है। उधर कुछ दिनों के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि सिर्फ 2 घंटों के लिए सारे ट्रांसपोर्टेशन खुल रहे हैं, जिसको जो काम है वो कर ले। यहाँ पर रोनाल्डो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो बाहर जाता है, लेकिन आर्मी वाले उसे कहकर रोक देते हैं कि अभी तुम्हारे इलाके का रास्ता नहीं खुला है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब मारियाना के डैड भी ठीक होकर घर आ गए थे और वो अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम्हें कैसी भी करके मारियाना को ढूंढना होगा। इधर दूसरी तरफ एलन के घर पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अब दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए, न जाने उसका उन लोगों ने क्या किया होगा, वो जिंदा भी होगी या फिर मर गई। लेकिन एलन उनसे गुस्से में कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। उधर कैंप में हम देखते हैं कि जितनी भी लड़कियाँ थीं उनके साथ बुरे काम किए जाते हैं। पूरे कैंप में दहशत का माहौल होता है, वो जानवरों की तरह लड़कियों को नोच रहे थे, जिसके बाद उनकी एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें वो अपने परिवार वालों को बता सके कि उन्हें अगर यहाँ से बाहर ले जाना है तो पहले $80,000 देने होंगे। और ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों से वीडियो बनवाई जाती है। इधर एक दिन एलिस की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, इसलिए रोनाल्डो आर्मी वालों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन वो जैसे ही उनके पास पहुँचता है वो उसे गोली मार देते हैं और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। और इलाज ना मिलने की वजह से कुछ दिन बाद एलिस की भी मौत हो जाती है। तो कुछ भी हो, सिर्फ मरता गरीब और शरीफ ही है, या हम यही देखते हैं। एक दिन मारियाना के भाई डैनियल के पास उन लोगों की फिरौती का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर हम कैंप में देखते हैं कि एक आदमी की फिरौती की रकम आ गई है, लेकिन वो लोग उस आदमी को छोड़ते नहीं बल्कि वहीं मार डालते हैं, जिसका ये साफ मतलब है कि ये लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसी में एक लेडी मारियाना को अलग केस में ले जाकर बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझ पर भरोसा करो। उसी रात को वो और लोग क्रिश्चियन के घर जाते हैं और वहां उसे बताते हैं कि मारियाना हमारे पास है, तुम्हें $80,000 देने होंगे, जिसके बाद तुम उसे ले जा सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उन लोगों को पता था कि वो मारियाना के परिवार वालों के लिए काम करता है, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए बोलता है कि पैसे भिजवा दें। अब नेक्स्ट डे सभी लोग अपने अपने वर्किंग पास को लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि आज से सभी को कहीं पर ट्रैवल या फिर काम करने के लिए जाना है। उधर डैनियल और एलन दोनों ही विक्टर, जो कि होम मिनिस्टर था, उसके पास जाते हैं और उन्हें उस वीडियो के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मारियाना को ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। कुछ समय के बाद जब क्रिश्चियन और मार्था डैनियल के घर फिर से काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्रिश्चियन डैनियल को उस दिन वाली बात बताता है, जिसके बाद वो अपने डैड से पूछकर उन्हें $80,000 दे देता है। क्या पता इसे मारियाना घर वापस आ जाए। लेकिन जब वो उन पैसों को लेकर उस कैंप में जाता है तो वो लोग उल्टा और $1 मिलियन की डिमांड करने लगते हैं। और यही बात जब ये दोनों घर आकर डैनियल को बताते हैं तो वो लोग और पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो जाकर विक्टर को कॉल करता है और उनसे सारी डिटेल बताता है, जिसके बाद वो फौरन मार्टा और क्रिश्चियन के साथ अपने लोगों को उनके घर भेजते हैं और वहाँ जाकर वो कहते हैं कि हमने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, आप आकर यहाँ ले जाओ। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं, विक्टर के लोगों ने धर लेते हैं और उन्हें बहुत मारते पीटते हैं, जिससे कि वो कैंप का पता बता देते हैं। अब सभी लोग फौरन उस कैंप में पहुँचते हैं और वहाँ पर जितने भी कैदी थे, जितनी भी मिलियनर बिलियनर की फैमिली थी, वो उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन वो मारियाना को लेकर सीधा घर नहीं जाते, बल्कि उसे मार्टा के घर लेकर जाते हैं और वहाँ वो क्रिश्चियन और मार्टा को अलग अलग रूम में गोली मार देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सरकार के ऊपर कोई दबाव ना आए, और मारियाना के घर वालों को यही लगे कि जो कुछ भी हुआ था वो उन गरीब लोगों ने किया था, जिसमें क्रिश्चियन और उसका परिवार भी शामिल था। मतलब जिसने मारियाना की मदद करी उसे ही खूनी बना दिया गया। इसके बाद सरकार के लोग उस कैंप में जितने भी करप्ट आर्मी ऑफिसर होते हैं उन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं और फिर वही उन्हें जला दिया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि सिटी पर एक बार फिर से
सरकार का कंट्रोल आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी दंगाइयों को फांसी दे देते हैं। और इसमें हम मार्था को भी देख पाते हैं, पर उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि उसने तो डैनियल की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भी दुनिया में कोई मुसीबत या दंगे होते हैं, हमेशा सिर्फ गरीब ही उसमें पिस जाते हैं। और इसमें मार्था भी मारी जाती है। एक तो इन लोगों ने उनका वोटिंग का हक छीन लिया, और फिर ऊपर से उनकी जान भी ले ली। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है दोस्तों, जो हमारे समाज की सच्चाई को दिखाती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कभी कभी इंसान इंसानियत भूल जाता है और वो शैतान बन जाता है। वल इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।